बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्ट्रीम में एमएस वर्ड 2013 के एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं अब्दुल रज़ाक। आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में, कि फ़ॉन्ट हम किस तरीके से अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को और साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट स्टार। हमने यहाँ टेक्स्ट लिख दिया, और अब ये देखें, जब हम इस पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपने माउस से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखें, ये आपके सामने एक शॉर्टकट भी आ गया और यहाँ पर भी है। तो हम जाएंगे फॉन्ट साइज में। इस वक्त हमारा जो फॉन्ट है, जो हमने टेक्स्ट का फॉन्ट है, वो है 11। हम चाहते हैं ये बड़ा हो जाए, इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देखें, जैसे जैसे आप फॉन्ट साइज़ पर जाते जाएंगे इस तरह बड़ा होता जाएगा। ये लास्ट है 72, 80, 48, 36। हम 36 पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये फॉन्ट साइज़ है, आप इसको कम कर सकते हैं और इसको 72 कर सकते हैं। ये फॉन्ट है हमारे टेक्स्ट का, कि हम किस तरीके से इसको कितना बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट के बाद है फॉन्ट स्टाइल। ये आपके पास फॉन्ट स्टाइल है, ये कैलिबरी, लाइट कैलिबरी। इसके बाद ये सारे फॉन्ट स्टाइल आप देखें, जिस जिस पर जाते जाएंगे आपका फॉन्ट चेंज, आपका जो है टेक्स्ट है वो चेंज होता जाएगा, टेक्स्ट स्टाइल चेंज होता जाएगा। आप जो भी यहाँ पर स्टाइल रखना चाहते हैं आप अपना स्टाइल रख सकते हैं। ये फॉन्ट स्टाइल है और ये फॉन्ट साइज है। इसके बाद आप आ जाएं, आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा नुमाया नज़र आए, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है बोल्ड का, इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि सिर्फ स्टार स्ट्रीम बोल्ड हो जाए, हमने इसको बोल्ड कर दिया। और यह इसकी बिल्कुल ही बराबर में है इटैलिक का। इटैलिक का मतलब है हमारे जो साइज है, स्टाइल है, इसको तिरछा करना। इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, ये तिरछा हो जाएगा। इसके बिल्कुल बराबर में है अंडरलाइन का। हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन हो जाए, इसे हमने अंडरलाइन कर दिया। देखें, ये बोल्ड भी हुआ हुआ है और ये तिरछा भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं दोबारा वही हो जाए, आप अंडरलाइन पर क्लिक करें, लाइन के टेक्स्ट के नीचे से लाइन ख़त्म हो गई। आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे, देखें इटैलिक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि तिरछा जो नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। और आप बोल्ड पे कर देंगे, इसका बोल्ड भी ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले जैसे हो गया है। ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं हमारे फॉन्ट्स के साइज़ को चेंज करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि हम फॉन्ट साइज़ के बारे में, कि 72 पर ये इसका 72 तक हम बड़ा कर सकते हैं। अब देखें, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें, इसी के बिल्कुल बराबर में है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, देखें 72, 180, 90, आप जितना चाहे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी के बिल्कुल बराबर में डिक्रीज, आप ये डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। हमारा लास्ट था 8 था, आप इससे भी कम कर सकते हैं, देखें 6 भी कर सकते हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा था वो 72 था, तो आप 72 से भी बड़ा कर सकते हैं 80। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आप इसको कितना छोटा कर सकते हैं और कितना बड़ा कर सकते हैं आपके साइज के लिए। इसके बावजूद भी अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन में और काम करते हैं हम, कि आपको जिस तरह कोई डॉक्यूमेंट से, इस जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आपने कोई काम किया हुआ है और ये आप चाहते हैं कि ये गलत किया हुआ है, तो इस पर आप मार्क करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेपर के दौरान हम मार्क कर देते हैं कि पेपर में ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो इसमें भी हमारे पास एमएस वर्ड 2013 में एक ऑप्शन है स्ट्राइक का, स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड को मार्क कर सकते हैं। देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके वर्ड पर यह मार्क हो गया, ये मार्क हो गया, और इसको ख़त्म करना चाहते हैं इसी पर आप क्लिक कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसमें
मार्क भी कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू के जरिए। इसके अलावा हम मैथ्स के पेपर बना रहे हैं, मैथ्स के पेपर में जैसे हमने एक्स और ये टू, अब आप चाहते हैं कि ये टू जो है इसके नीचे आ जाए, तो आप टू को सिलेक्ट करेंगे और इसी के बिल्कुल बराबर में है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आप क्लिक करेंगे, देखें टू ये छोटा हो गया, ये सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और अगर चाहते हैं कि ये स्क्वायर में आ जाए, जैसे ऊपर आ जाए एक्स के, तो आप इस पर क्लिक करेंगे सबस्क्रिप्ट पर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे जो जो चीज़ें मैंने करवाई हैं आपको, कि फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको समझाया कि फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल में हम किस तरह चेंजिंग ला सकते हैं, बोल्ड किस तरह कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट को, आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से आप इटैलिक कर सकते हैं यानी कि तिरछा कर सकते हैं, किस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इसको स्ट्राइक कर सकते हैं और स्ट्राइक ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ्स का पेपर बना रहे हैं, तो सबस्क्रिप्ट के जरिए आप इसमें एक्स को नीचे, टू को जो है नीचे भी लिख सकते हैं और स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिक्रीज फॉन्ट साइज पे भी काम किया और इंक्रीज फॉन्ट साइज पे भी काम किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।